हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मलिका शर्मा और आप देख रहे हैं चैनल इंडी 10। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं हिमालयन डायमंड एकेडमी की फाउंडर मिसेस इंदिरा शर्मा से। हेलो मैम, आप एक इवेंट कर रहे हैं, आप प्लीज़ हमें उसके बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है इंदिरा शर्मा और मैं हिमाचल में मिस्टर एंड मिस सुपर मॉडल ऑफ हिमाचल करने जा रही हूँ, जो कि यहाँ के बच्चों का मैं चाहती हूँ कि वो टैलेंट्स जो है उनमें छुपा हुआ उसको मैं आगे लेके आऊँ। तो ये मेरा मिस्टर एंड मिस का फर्स्ट इवेंट है, लेकिन इससे पहले मैं मिसेस मनाली कर चुकी हूँ, मिसेस मनाली हिमाचल कर चुकी हूँ और मेरी बच्चियाँ जो हैं वो मिसेस इंडिया IMP के क्राउन लेके तक आई हैं, तो आई फील वेरी प्राउड ऑफ दैट। एंड मैम, जैसे आपकी एज भी काफ़ी हो चुकी है, आई मीन इस एज में तो लोग रिटायर हो जाते हैं, बट आप स्टिल विदाउट एनी पर्सनल रीजंस आप ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हैं, इसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या है आपका? एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ हिमाचल में टैलेंट तो बहुत है, लेकिन हमारे टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो मैं चाहती थी कि जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको मैं एक प्लेटफॉर्म दे सकूं और मैं उस टैलेंट को आगे तक ले जाऊं। तो बस ये मेरी छोटी सी एक इच्छा समझ लीजिए और वही इच्छा मुझे इस रिटायरिंग एज में भी कुछ करने का इंस्पिरेशन देती है। दैट्स वेरी नाइस मैम। और जैसे कि आप बोल रहे हैं आपके इंटरनेशनल लेवल पे भी गए हैं आपके कंटेस्टेंट्स, तो आप उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमें? हाँ, मेरी 2018 में शालू ठाकुर मिसेज इंडिया आई एम पावरफुल की टूरिज्म वर्ल्ड वाइड की विनर रही हैं, वो इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट हुई, बट ड्यू टू हर पर्सनल सम रीजन्स शी कुंड गो देयर। और अभी रिसेंटली जून में मोनिका शर्मा, वो भी मेरी मिसेज इंडिया IMP बन के आई हैं, सो एंड शील रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल टू, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। दैट्स वेरी नाइस मैम। और ये जो आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है मिस्टर एंड मिस सुपर मॉडल का, तो इसके पीछे आपका एक सोशल कॉज भी है, उसके बारे में बताएंगे? बेटी बचाओ। हाँ, आजकल बेटियाँ बचाओ बेटी पढ़ाओ ये तो बहुत सब लोग कर रहे हैं, लेकिन बेटियाँ तो आजकल बहुत पढ़ रही हैं और अच्छे से पढ़ रही हैं, तो हमें लगता है कि बेटियों से जो है वो सृष्टि चलती है। गॉड ने अपने बाद एक सृजन की जो क्षमता है वो सिर्फ एक औरत को प्रदान की है, और मैं समझती हूँ आज की डेट में बेटियाँ बचाओ तो चल रहा है, लेकिन बेटियाँ बचाओ के साथ उन हम कहते हैं कि सृष्टि बचाओ। बेटी पढ़ लिख भी रही है फिर भी उनका जो है बहुत शोषण किया जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि मेरा ये सोचना था कि हम अगर किसी बेटी को बचा रहे हैं तो हम एक सृष्टि को बचा रहे हैं, तो बस ये है। और आजकल हिमाचल तो क्या, मुझे लगता है पूरे भारत, पंजाब हरियाणा हिमाचल दिल्ली कहीं भी देखो, बच्चे जो हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो ड्रग्स में जा रही है ज़्यादा, तो अगर इतने हमारे छोटे बच्चे ये हमारी आने वाली पीढ़ी ड्रग्स में डूब जाएगी तो हमारा भविष्य तो बिल्कुल गर्त में डूब जाएगा। तो यही हमारा भी एक नारा है, से नो टू ड्रग्स, इस ड्रग्स से दूर रहो, ड्रग्स आर ठग्स। तो हमारा मेरा एक बच्चों के लिए एक ये कहना भी रहेगा कि ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए, अपने टैलेंट को शो कीजिए, अपना कुछ भी कीजिए ज़िंदगी में अगर आपके पास करने के लिए बहुत काम है। मैं अपने यहाँ हिमाचल के बच्चों को कहती हूँ, ट्रैकिंग करो, पहाड़ों में जाओ, अपने टैलेंट को शो करो, यहाँ तो कोई राफ्टिंग कयाकिंग स्कीइंग ट्रैकिंग बहुत सारे काम है करने के लिए, तो ड्रग्स में अपना टाइम क्यों बर्बाद करना, अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करनी। तो ये भी हमारा एक सोशल बच्चों के लिए एक वो रहेगा, क्या कहते हैं उसको, कि उनके लिए हमारा एक संदेश रहेगा। वेरी राइटली सेड मैम, इट्स अ वेरी नाइस कॉज एंड आपका इवेंट बहुत ही अच्छा होने वाला है, आई एम श्योर अबाउट इट। हमारे इंडी 10 चैनल में आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे आने के लिए, इसलिए मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मैम।